हेलो एवरीवन, मैं ब्रजेश पांडे, आप सबका पांडे जी क्लासेस में एक बार फिर स्वागत करता हूं। आज स्टूडेंट हम बात करेंगे बैलेंसिंग मेथड की। इससे पहले मैं दो वीडियो में आपको ऑक्सीडेशन नंबर मेथड और आयन मेथड डिटेल में एक्सप्लेन कर चुका हूं। आयन मेथड के अंदर मैंने आपको बैलेंसिंग की एक पीडीएफ फाइल दी थी, जिसको मैंने कहा था नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। तो इस वीडियो में मैं उस पीडीएफ फाइल को कम्प्लीटली सोल्व कर रहा हूँ, किस तरह से करते हैं मेथड को सीखेंगे, कंपटीशन में हमने क्या टेक्निक फास्ट लगानी है, वो सब सीखना है हमने। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टार्ट करते हैं। अगर मैं पहली बैलेंसिंग को देखूं स्टूडेंट, तो मेरे पास यहाँ पे क्या है, एक्स और वाई वैल्यू गिवन है और मुझे बताना है कि यहाँ पे एक्स वाई क्या आएगा। एक तो है कि मैं ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से करूं, और दूसरा क्या है, जब आपके पास कुछ डाटा गिवन हो तो ऐसे केसेस में, जैसे यहाँ 5 है, 2 है, 6 है, ये गिवन है, तो इस केसेस में हम हीट एंड ट्रायल मेथड का इस्तेमाल करते हैं। अगर हम ध्यान से देखें स्टूडेंट, इस रिएक्शन में लेफ्ट हैंड साइड पे जो चार्ज आ रहा है वो 2 नेगेटिव है, और यहाँ पे राइट हैंड साइड में जो चार्ज आ रहा है वो क्या है, -1 है। तो चार्ज तो बैलेंस होना ही चाहिए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 है तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी स्टूडेंट, 2, और 2 क्लोरीन हो गया तो इसका मतलब यहाँ पे भी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2। अब ऑक्सीजन काउंट कर लेते हैं स्टूडेंट, 5 2 10 और 4 14 और 2 16 हो गए। यहां पे ध्यान से देखें ऑक्सीजन कितने हैं, 6, तो कितने बच गए स्टूडेंट, 10। तो मैं यहाँ पे वाई की वैल्यू क्या पुट करूंगा कि 10 हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 5 पुट कर दीजिए। अब अगर आप इस रिएक्शन को ध्यान से देखें स्टूडेंट, तो ये अपने आप में क्या होगी, बैलेंस रिएक्शन होगी। कॉम्पिटिशन में भी जरूरी नहीं है कि हर बार हम ऑक्सीडेशन नंबर या आयन मेथड का इस्तेमाल करें। अब अगले क्वेश्चन को देखें, सेम वही प्रोसीजर, क्योंकि यहाँ पे 2 4 6 गिवन है, इसका मतलब यहाँ पे मैं ऑक्सीडेशन और आयन मेथड का इस्तेमाल नहीं करूंगा, मैं डायरेक्ट हीट एंड ट्रायल मेथड का इस्तेमाल से कर सकता हूं। तो क्या करें, देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे पोटेशियम कितने हैं, 4, और कहीं पे पोटेशियम है नहीं, यहाँ पे पोटेशियम क्या है, एक्स, तो इसका मतलब यहाँ पे एक्स की जगह क्या आ जाएगा स्टूडेंट, आप कहेंगे सर यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अगर हम बात करें अब सल्फेट की, तो यहाँ पे सल्फेट हमें गिवन है कितने, 2 और 4, कितने हो गए, 6। क्या और कहीं सल्फेट है, नहीं, तो इसका मतलब यहाँ पे भी सल्फेट कितने होंगे स्टूडेंट, 6, मगर यहाँ क्या है, वाई दे रखा, तो हम यहाँ वाई की जगह क्या कर देंगे, 6। अब ये 6 हो गया, 6 सल्फेट, इधर भी 6 सल्फेट, पोटेशियम 4, यहाँ पे पोटेशियम 4, मैग्नीज 4, यहाँ पे मैग्नीज 4, अब क्या रह गया, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन की बात करें स्टूडेंट, कितना है, 4 4 16, और यहाँ पे कितना है, 24, तो 16 और 24 की हम बात करें तो हमारे पास क्या हो गया, 40 ऑक्सीजन है इस साइड पर। यहाँ पे बात करें 2 4 8 और 4 4 16, तो कितना हो गया हमारे पास, 24 24 और 6 30, 30 हो गए, कितने की कमी है, 10 की, तो यहाँ पे मैं क्या पुट कर दूं स्टूडेंट, 10 हो जाए, आप कहेंगे सर 5। तो ये हमारी कंप्लीट क्या होगी, बैलेंस रिएक्शन होगी। मैंने वही बात आपको बताई कि हमेशा हमें ऑक्सीडेशन आयन मेथड का इस्तेमाल नहीं करना, मगर कई जगह ऐसा हो जाएगा कि हमारी मजबूरी हो जाएगी कि हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो ये मेरे ख्याल से आपको समझ आ गई होंगी दोनों रिएक्शंस। अब नेक्स्ट की अगर बात करें स्टूडेंट, तो नेक्स्ट में देखिए तो क्या है कि हमारे पास कोई यहाँ पे नंबर ऐसा नहीं दे रखा जिसके बेस पे मैं स्टार्ट करूं हीट एंड ट्रायल। तो ऐसे केसेस में हम अपना ऑक्सीडेशन नंबर मेथड या आयन मेथड कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। मैं आपको एक आयन मेथड की टेक्निक सिखाता हूँ, ध्यान से सीखिए, थोड़ा सा हटके है। जैसे मान लो मेरे पास KMnO4 है, एक्स हमें नहीं पता क्या है, इसको तो हम बाद में देखेंगे। अब इसी को हम आयन की फॉर्म में लिखेंगे, थोड़ा सिंप्लीफाई रिएक्शन को करेंगे, तो ये हो जाएगा MnO4 नेगेटिव प्लस। अब इसको तो हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, अमोनिया को ब्रेक नहीं कर सकते हैं, तो अमोनिया की जगह हम अमोनिया ही लिखेंगे, NH3 गिव्स क्या देगा स्टूडेंट, के NO3 में पोटेशियम है, दोनों तरफ कॉमन है, उसे हमने हटा दिया, ये क्या बन गया, NO3 नेगेटिव, और MnO2 हमें रखना ही पड़ेगा। KOH को नहीं लेंगे, वाटर को नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे, KOH का मतलब बेस आ गया, OH नेगेटिव एंड बेसिक मीडियम में हम इसे बैलेंस करेंगे, वाटर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो कैसे आएंगे अब उस चीजों को हम देखते हैं। तो पहले तो हम क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं, जैसे मैंने आपको कहा था, तो सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लीजिए, मैग्नीज की +7, यहां नाइट्रोजन की +5, यहां नाइट्रोजन -3 और यहां मैग्नीज क्या है +4। अब क्या करेंगे, +7 से हम किस पे जा रहे हैं, +4 पे जा रहे हैं, तो स्टूडेंट कितने का डिफरेंस आ रहा है, तो आप कहेंगे सर 3 इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस आ रहा है। यहाँ नाइट्रोजन पे -1 से +5 पे जा रहे हैं, कितने इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस आ रहा है, 8।
यहां पे क्या हो रहा है स्टूडेंट, रिडक्शन, यहां पे क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन। तो अगर आप ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से करें तो क्या कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 8 से इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 8MnO4 नेगेटिव प्लस 3NH3 गिव्स NO3 नेगेटिव प्लस MnO2। फिर मैंने आपको क्या सिखाया था बेटा, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, देखेंगे कि मैग्नीज बैलेंस है क्या, 8 है यहां पे नहीं है, तो हम यहां पे क्या कर देंगे 8। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के सबको बैलेंस कर देते हैं, नाइट्रोजन 3 है यहां नहीं है, यहां हमने लिख दिया 3। अब क्या रह गया, अब हमें बैलेंस करते हैं ऑक्सीजन को, तो यहां पे कितने हैं 8, चूंकि 32 ऑक्सीजन है, और अगर मैं यहां पे काउंट करूं स्टूडेंट तो यहां पे क्या 16 16 9 25 ऑक्सीजन है। अब कितने ऑक्सीजन कम है स्टूडेंट, तो आप कहेंगे सर 7 ऑक्सीजन कम है, तो क्या टेक्निक सिखाई थी स्टूडेंट, जितने कम है उतने हम क्या कर देते हैं वाटर मोलिक्यूल एड कर देते हैं, तो मैंने वहां पे 7H2O क्या कर दिया एड कर दिया। अब हम बात करेंगे हाइड्रोजन की, तो 7 2 14 हाइड्रोजन यहां पे है और यहां पे क्या है 9 हाइड्रोजन है, यहां पे 14 हाइड्रोजन है यहां पे 9, तो कितने का डिफरेंस है स्टूडेंट, आप कहेंगे सर 5 का, तो 5 जिधर भी कम होता है उधर हम उतने ही वाटर ऐड कर देते हैं, तो हमारी यही रिएक्शन क्या हो जाएगी स्टूडेंट, 8MnO4 नेगेटिव प्लस 3NH3 प्लस 5H2O गिव्स 3NO3 नेगेटिव प्लस 8MnO2 प्लस 7H2O प्लस, एक तो हमने इधर वाटर ऐड कर दिया जितने कम है, और उतने ही OH नेगेटिव आयन हम दूसरी साइड पे क्या कर देते हैं स्टूडेंट ऐड कर देते हैं, यहां पे क्या हो गया 5OH नेगेटिव। अब इस रिएक्शन को अगर हम बात करें सिंपलीफाई करना है, यहां पे 5 है इधर 7 है, तो मैं क्या करूंगा स्टूडेंट ये 5 मैं किधर ले जाऊंगा इस साइड ले जाऊंगा, और यहां पे क्या रह जाएगा 2H2O। अब हम इसे फटाफट बैलेंस करते हैं जो हमें रिएक्शन दी गई, ध्यान से देखिए, तो एक्स की जगह स्टूडेंट क्या आ गया आपका 8, तो 8KMnO4 प्लस 3NH3 गिव्स कितना स्टूडेंट 3KNO3 प्लस 8MnO2 प्लस 2H2O, और जितने OH नेगेटिव उसके बाद पोटेशियम बच जाएगा 5KOH। अब देखिए 5 पोटेशियम ये है, 3 पोटेशियम ये है, टोटल क्या हो गया 8, तो ये रिएक्शन ऑटोमेटिकली क्या होगी बैलेंस होगी। तो इस तरह हम आयन मेथड या ऑक्सीडेशन नंबर मेथड का इस्तेमाल करके किसी भी रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट कैसे करेंगे, थोड़ा सा मैं इसे रब कर देता हूं ताकि हमारे पास जगह बन जाए प्रॉपर। अब नेक्स्ट रिएक्शन में ध्यान से देखें स्टूडेंट, तो यहां पे एन दे रखा है और यहां पे भी एन दे रखा है, वैसे तो हीट एंड ट्रायल मेथड से भी ये रिएक्शन हो सकती है क्योंकि यहाँ पे क्रोमियम 2 है, वाटर 14 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 14 है, यहाँ पे 14 है, केवल डिफरेंस पड़ रहा है एन का। तो कैसे कैलकुलेट करें, अगर मुझे कैलकुलेट करना है फास्ट में तो मैं कहूंगा यहाँ क्रोमियम क्या है +6 है, यहाँ क्रोमियम क्या है +3, कितने इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस आ रहा है, तो आप कहेंगे 3 इलेक्ट्रॉन का, मगर कितने क्रोमियम है 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आ जाता है 6 इलेक्ट्रॉन का। तो हम करते हैं क्या, केवल बिल्कुल सिंपल सा ही काम करते हैं, जितने इलेक्ट्रॉन का यहाँ डिफरेंस आ रहा है उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी 6 इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस आ रहा है, तो मैं क्या कर दूंगा 6 और यहां पे भी क्या कर दूंगा 6। अब आप ये रिएक्शन देख लें ऑटोमेटिकली क्या होगी है बैलेंस। तो चेक करते हैं कैसे चेक करते हैं, आयन को चार्ज को देख लेते हैं, -2 नेगेटिव और ये +12, ये 12 हो गया और ये 14 28 में से 2 गए, कितना बच गया स्टूडेंट हमारे पास, सॉरी ये कितना हो गया 8 और 14 कितना हो गया हमारे पास 22 में से 4 गया 20। अब यहां पे बात करें कितना आ रहा है 6 और 8 3 जा 24 आ रहा है, 8 और 14 22, कहां पे बड़े बड़े हो गए 6 18 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
2 नेगेटिव 14 एच पॉजिटिव 16,
12 और ये अगर 26 में से 2 गए 24 पॉजिटिव है और यहाँ पे देखिए 6 और 18 तो 24 है, तो ये ऑटोमेटिकली अपने आप में क्या है, एक बैलेंस रिएक्शन है। नेक्स्ट हम बात करें स्टूडेंट अब नेक्स्ट रिएक्शन में बात करते हैं स्टूडेंट, तो नेक्स्ट रिएक्शन को देखिए तो यहाँ पे काफी कुछ अननोन है, ए बी सी डी ई एफ, तो यहाँ पे मैं हिट एंड ट्रायल मेथड का इस्तेमाल ना करके आयन मेथड या ऑक्सीडेशन नंबर मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं स्टूडेंट, तो किस मेथड से करना पसंद करेंगे आप, MnO4 नेगेटिव माइनस प्लस C2O4 नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव लिखना चाहो लिख लो, नहीं तो ये एसिडिक मीडियम में अपने आप एंटर कर जाएगा। और यहां क्या हो गया, Mn2 पॉजिटिव प्लस H2O और प्लस क्या हो गया स्टूडेंट, कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये हमें क्या करना है, बैलेंस करना है। अगर हम ध्यान से देखें स्टूडेंट तो इस केस में हम इस H पॉजिटिव और इस वाटर को हटा देते हैं, मेनली जो चेंज हो रहा है वो हमारा यहाँ पे हो रहा है। क्या चेंज हो रहा है ध्यान से देखें, मैग्नीज प्लस 7 है और यहाँ पे मैग्नीज प्लस 2 है, तो क्या हो रहा है यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस आ रहा है। यहाँ पे कार्बन की बात करें तो 2x-8=-2 और 2x=6 और x क्या हो गया +3, तो यहाँ पे अगर मैं +3 से बात करूं और कार्बन यहाँ पे क्या है हमारा +4 है, तो 1 इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस हो रहा है, मतलब 2 कार्बन है तो 1×2 क्या हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस हो रहा है। अगर आप इसे ऑक्सीडेशन मेथड से करना चाहें तो यहीं पे कर सकते हैं, नहीं तो अगर आयन मेथड से करना चाहें, मैं आपको आयन मेथड भी दोबारा रिकॉल कर देता हूं, अगर किसी बच्चे ने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो यहां से वो आयन मेथड को सीख सकते हैं। MnO4 नेगेटिव गेट्स कन्वर्ट इनटू Mn2 पॉजिटिव, मतलब बैलेंसिंग में मैं कहूंगा स्टूडेंट ऑक्सीडेशन नंबर मेथड का ज्यादा इस्तेमाल करें क्योंकि ये थोड़ा सा लेंथी पड़ता है। C2O4 नेगेटिव गेट्स कन्वर्ट इनटू CO2। अब क्या करते हैं, सबसे पहले जिस एटम पे ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हो रही है उसे हम बैलेंस करते हैं, मैंगनीज बैलेंस है, फिर हम चार बात करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर की, यहाँ +7 है यहाँ +2 है, 5 का डिफरेंस है, तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे और ये हमारा बन गया Mn2 पॉजिटिव। फिर हम बात करते हैं चार्ज की, यहाँ पे 6 नेगेटिव है, मार 2 पॉजिटिव है, तो 8 का डिफरेंस है, तो हम क्या करेंगे, अब हमें पता है रिएक्शन किसमें है, एसिडिक मीडियम में है, तो हमें 8H पॉजिटिव ऐड करने हैं, किस साइड करूंगा इस साइड, क्योंकि वहां पे +2 है ही, -6 और 8 में से गया तो कितना हो गया +2, चार्ज बैलेंस हो गया। अब आप बैलेंस करेंगे ऑक्सीजन को, यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है वहां पे नहीं है, तो हम क्या कर देंगे 4 वाटर ऐड कर देंगे और आपको पता है मेथड में हाइड्रोजन ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाता है, तो ये हमारी रिएक्शन क्या होगी, बैलेंस होगी। अब इधर बात करें कार्बन 2 है तो पहले इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, पहले एटम बैलेंस करते हैं, फिर ऑक्सीडेशन नंबर की बात करें, यहाँ पे +3 है और यहाँ पे +4 है, तो ये कितना हो गया +6, ये क्या हो गया 8, कितने का डिफरेंस है 2 का, इधर डिफरेंस है यहाँ पे, तो यहाँ पे हम 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे। जब चार्ज बैलेंस करना तो ऑक्सीडेशन स्टेट हटा दिया करना, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। अब चार्ज की बात करें, इधर कितना चार्ज है 2 नेगेटिव, उधर कितना चार्ज है 2 नेगेटिव, तो ये रिएक्शन ऑटोमेटिकली बैलेंस है। अब इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस है, यहाँ पे 5, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको 2 से, तो हमारी रिएक्शन क्या हो जाएगी 2MnO4 नेगेटिव प्लस 16H पॉजिटिव प्लस इसको 5 से क्या है 5C2O42 नेगेटिव गिव्स 2Mn2 पॉजिटिव प्लस 8H2O प्लस 5 2 जा क्या हो गया 10CO2, हमारी ये रिएक्शन होगी बैलेंस। अब इसको हम इस फॉर्म में लेते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, आप देख सकते हैं ए की जगह क्या आ जाएगा 2, बी की जगह क्या आ जाएगा 5, सी की जगह क्या आ गया 16, डी की जगह क्या आ गया 2, ई की जगह क्या आ गया 8 और एफ की जगह क्या आ गया 10, और ये हमारी रिएक्शन क्या होगी बैलेंस। तो बड़े आराम से आप आयन मेथड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें आप कंफर्टेबल फील करें, कंपटीशन में आप कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हैं। अब नेक्स्ट बात करें स्टूडेंट तो नेक्स्ट को देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने आप में, यहाँ पे Cl2NaOH नेगेटिव, तो ऐसे क्वेश्चन में बड़ा है, मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज सिखाने जा रहा हूं कि कैसे बैलेंस करें। जैसे अगर Cl2 है तो क्या करेंगे,
देखिए मैं कैसे लिख रहा हूं, सीएल टू प्लस। अब जो चीज कॉमन है, सोडियम आयन कॉमन है, तो सोडियम आयन को हम हटा देंगे, तो क्या बच गया, ओ एच नेगेटिव गैस कन्वर्ट इन टू, यहां पर क्या आ गया स्टूडेंट, सीएल नेगेटिव, और यहां पे क्या आ गया, सीएलओ थ्री नेगेटिव, और यहां पे वाटर को हम चाहें तो लेफ्ट कर सकते हैं, क्योंकि ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, वो बैलेंस हो जाएगा। और यहां पे हम ओ एच नेगेटिव बेसिक मीडियम में लिखना चाहो लिख लो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या करेंगे बेटा, ध्यान से देखिए, यहाँ पे ऑक्सीजन क्या है, जीरो है, यहाँ माइनस वन है, तो जीरो से क्या हो रहा है, माइनस वन, इसका मतलब रिडक्शन बाय वन इलेक्ट्रॉन, मतलब दो क्लोरीन है तो हम क्या कहेंगे, दो इलेक्ट्रॉन। और जीरो से ही क्या हो रहा है, यहाँ पे क्लोरीन क्या है, प्लस फाइव है, जब आप निकालेंगे तो फाइव इलेक्ट्रॉन, मतलब दो है तो क्या हो जाएगा, टेन इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन बाय टेन इलेक्ट्रॉन। अब ये कौन सी रिएक्शन होगी स्टूडेंट, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन में मैंने क्या कहा था, इस साइड तो मल्टीप्लाई नहीं कर सकते तो अपोजिट जाएंगे, जैसे यहाँ पे दो आ रहा है तो दो से इसे मल्टीप्लाई करेंगे, इधर दस आ रहा है तो टेन से इसे मल्टीप्लाई करेंगे, वहां दोनों का रेशियो ले तो क्या हो जाएगा, वन रेशियो फाइव, तो फाइव से इसे, वन से इसे। तो हमारी जो ये रिएक्शन है, इसी को मैं सिंपली ऐसे लिख सकता हूं, सीएल टू प्लस ओ एच नेगेटिव गिव्स, सीएल नेगेटिव कितने, ये फाइव, और इसको हमने ऐसे ही रहने दिया, सीएलओ थ्री नेगेटिव। अब क्या करना है बैलेंस हम स्टूडेंट, पहली बात तो हेलोजन को ही बैलेंस करेंगे, यहाँ पे फाइव और वन सिक्स है तो यहाँ पे हम थ्री से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब बात करेंगे ऑक्सीजन की, तो यहाँ पे एक ऑक्सीजन है, यहाँ पे तीन है, कितने की कमी है, दो की, तो आप कहेंगे सर दो वाटर मोलिक्यूल ऐड कर दीजिए, बैलेंस हो गया। अब बात करेंगे हाइड्रोजन की, तो यहाँ कितने हाइड्रोजन है, फोर, और ये क्या है, वन फाइव, उधर यानी फाइव की कमी है, तो जितने कमी होती है उतने वाटर हम उस साइड ऐड करते हैं, तो उसके अपोजिट साइड हम उतने ही ओ एच नेगेटिव आयन ऐड कर देते हैं। बस अब इस रिएक्शन को ओपन करके लिख दीजिए, आपका आंसर आ गया आपके पास, तो क्या आ गया, थ्री सी एल टू प्लस ये फाइव और वन, क्या हो गया, सिक्स, सिक्स ओ एच नेगेटिव गिव्स, ये टू एच टू ओ स्टूडेंट उधर चले जाएंगे, फाइव सी एल नेगेटिव प्लस सी एल ओ थ्री नेगेटिव प्लस थ्री एच टू ओ, ये आपकी रिएक्शन क्या होगी, बैलेंस। मगर आप कहेंगे सर हमें तो NaOH, NaCl, Na इसकी फॉर्म में दे रखा है, कोई बात नहीं, यहाँ पे क्या आ जाएगा स्टूडेंट, थ्री NaOH से पहले क्या आ जाएगा आपके पास, सिक्स। अब यहाँ पे थोड़ा सा रुकने वाली बात होती है कि फाइव, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, फाइव, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, वन, और यहाँ पे वाटर के साथ क्या आ जाएगा, थ्री, तो ये आपकी क्या होगी, कंप्लीट बैलेंस रिएक्शन होगी। तो इस तरह बड़ी जल्दी आराम से सारी रिएक्शंस को बैलेंस कर सकते हैं। अगली थोड़ी सी बड़ी है, मगर मैं टेक्निक सिखाता हूं आपको कि कैसे करेंगे। तो मेन है कि जब आप इसी रिएक्शन को दूसरे मेथड से करेंगे तो काफी टाइम लगता है, तो बेस्ट रहता है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड जब आप बैलेंसिंग कॉम्पिटिशन में कर रहे हैं स्टूडेंट। अगले की बात करें तो अभी काफी लेंथी रिएक्शन दिख रही है, अब हम इसे क्या करेंगे, इसके आयन्स की उसमें कन्वर्ट करेंगे, जैसे एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम प्लस पोटाशियम कॉमन है तो इसे हटा देते हैं, तो क्या आ जाएगा, एम एन ओ फोर नेगेटिव प्लस एच टू एस ओ फोर है, लिख लेते हैं इसे, मगर वैसे दोनों में क्या है, कॉमन है, तो हम इसे यहां से हटाना चाहें तो हटा सकते हैं, एसिडिक मीडियम में इसे हटा दीजिए, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे एल्यूमिनियम थ्री पॉजिटिव, सल्फेट कॉमन है उसे हम हटा देते हैं, एल्यूमिनियम थ्री पॉजिटिव, बट यहाँ पे ध्यान रखना है कि हमें टू लिखना है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे दो एल्यूमिनियम है, तो टू एल्यूमिनियम थ्री पॉजिटिव। पोटाशियम आयन हमने हटा दिया था, सल्फेट भी हमने क्या कर दिया था, हटा दिया था, तो इसको हटा दीजिए। अब क्या है, मैंगनीज एम एन टू पॉजिटिव, सल्फेट को हटा दिया, वाटर ऑटोमेटिकली बाद में क्या हो जाएगा, बैलेंस। तो हमने क्या किया, इसको सिंपल जिस आयन के अंदर ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हो रही है केवल उसको मैंने मेंशन कर दिया। अब मुझे पता है एल्यूमिनियम जीरो से प्लस थ्री पे जा रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो यहाँ पे दो एल्यूमिनियम नहीं है तो यहाँ पे भी दो लेने पड़ेंगे, तो कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हम दिखा रहे हैं, सिक्स इलेक्ट्रॉन। मैग्नीज यहाँ पे प्लस सेवन है, मैग्नीज यहाँ प्लस टू है, कितने का डिफरेंस दिख रहा है, फाइव इलेक्ट्रॉन, तो बस मल्टीप्लाई कर देते हैं स्टूडेंट, सिक्स से इसे, फाइव से इसे, तो ये क्या हो जाएगा, टेन एल्यूमिनियम प्लस सिक्स एम एन ओ फोर नेगेटिव गेट्स कन्वर्ट इन टू, यहाँ पे क्योंकि टेन एल्यूमिनियम है तो यहाँ पे भी टेन ही हो जाएगा, टेन एल्यूमिनियम थ्री पॉजिटिव प्लस सिक्स एम एन टू पॉजिटिव, मैंने साथ के साथ आइटम को भी क्या कर दिया, बैलेंस कर दिया। अब मुझे क्या देखना है, ऑक्सीजन, तो यहाँ पे 24 ऑक्सीजन है, वहां पे एक भी नहीं है, तो हम यहाँ पे 24 वाटर को क्या कर देंगे स्टूडेंट, ऐड कर देंगे, 24 वाटर ऐड कर दिए। अब क्या रह गया स्टूडेंट मेरे पास,
अब आपके यहाँ सर हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है, तो यहाँ हाइड्रोजन कितने हो गए 48, मतलब यहाँ पे तो कोई हाइड्रोजन नहीं है, कौन सा मीडियम है एसिडिक, तो एसिडिक मीडियम में हम क्या कर देते हैं एच पॉजिटिव आयन एड करते हैं, तो 48 क्या हो गए एच पॉजिटिव आयन एड हो गए, तो ये मेरे पास एक बैलेंस रिएक्शन होगी। मगर हम ध्यान से देखें तो इन सब में एक वर्ड कॉमन है क्या टू, तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं तो क्या हो जाएगा 5, मगर हम यहाँ पे करेंगे नहीं, क्यों नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे Al2 है, अगर आप यहाँ पे 5 करेंगे तो ये वाली रिएक्शन बैलेंस नहीं हो पाएगी। चलिए करते हैं अब इसको सिंप्लीफाई, तो हमारी रिएक्शन क्या होगी 10 एल्यूमिनियम प्लस 6 KMnO4 प्लस, अब H2SO4 है यहाँ 48 है, तो यहाँ पे H2SO4 है दो हाइड्रोजन, तो इसका कर देंगे 24 H2SO4 गिव्स, क्या दे रहा है स्टूडेंट एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 का थ्राइस, मगर बात हुई है यहाँ पे 10 एल्यूमिनियम है 2 है ना यहाँ पे, तो हम यहाँ पे 5 ही लेंगे 5 Al2SO4 का थ्राइस, प्लस पोटाशियम यहाँ देख लीजिए कितने स्टूडेंट 6, तो यहाँ पे भी 6 होने चाहिए, तो मगर यहाँ तो 2 ही बनेंगे, तो 3 K2SO4 प्लस मैग्नीज यहाँ पे कितने है स्टूडेंट 6, यहाँ मैग्नीज 1 है, तो हम यहाँ क्या कर देंगे 6 MnSO4 प्लस वाटर, वाटर कितना दे रखा स्टूडेंट 24 H2O, और ये आपकी रिएक्शन क्या होगी बैलेंस होगी। अब देखते हैं क्या ये एक्चुअल में बैलेंस है, सल्फेट कितने हैं 24, यहां बात करें 3, 5, 15, 15 और 3, 18, 18 और 6, 24, तो 24 इधर भी है बैलेंस है, हाइड्रोजन हमारा बैलेंस है, मैग्नीज बैलेंस है, एल्यूमिनियम बैलेंस है, तो ये आपकी रिएक्शन बैलेंस होगी। मगर अगर मैं इसको कंप्लीट को लेके चलता तो ये रिएक्शन बैलेंस करने में आपको काफी टाइम लगता, हमने उसके केवल उन आयन को ले लिया जहां पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रही है। ठीक है स्टूडेंट, मेरे ख्याल से आपको ये टेक्निक मेरी पसंद आई होगी और इस तरह आप बड़ी जल्दी कैलकुलेशन कर सकते हैं, और अगर किसी बच्चे को दिक्कत आ रही है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, मैं इस टाइप के दो और क्वेश्चन आपको जरूर कराऊंगा। नेक्स्ट देखें स्टूडेंट, तो ये सिंपली रिएक्शन है, इसमें हम हीट एंड ट्रायल मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे FeCl3 है और यहाँ पे FeCl2 है H2S और वहां पे, तो हमें यहां से स्टार्ट करते हैं, दो हाइड्रोजन है, दो क्लोरीन कितने हो गए 6, दो हो गए 4, यहाँ पे एक है इसको 2 से मल्टीप्लाई किया 6 हो गए, यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई किया 6, अब क्या हो गया 4 क्लोरीन और 2 6 हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पे 2 और 1 बैलेंस, तो ये रिएक्शन क्या आ गई आपकी बैलेंस। तो बात वही है कि मेरे रिएक्शन को देखना पड़ेगा एग्जाम में कंपटीशन में कि किस टाइप से क्या मुझे उसे आयन मेथड लगाना पड़ेगा, नॉर्मली हो जा रही है जैसे अगली रिएक्शन है तो अगली में डायरेक्ट नहीं हो पाएगा, तो हमें इसके लिए ऑक्सीडेशन आयन मेथड, तो क्या करूंगा देखिए स्टूडेंट मैं कैसे सिंप्लीफाई करूं, कॉपर है प्लस, अब देखिए NO3 और NO3 कॉमन है मगर यहाँ पे NO के साथ है ना इसलिए इसको निग्लेक्ट नहीं कर सकते, एच पॉजिटिव को हटा देंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा NO3 नेगेटिव, यहाँ पे क्या बचेगा स्टूडेंट कॉपर, बस कॉपर 2 पॉजिटिव लेंगे, नाइट्रेट आयन को नहीं लेंगे क्योंकि दोनों तरफ नाइट्रेट है, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं हो रही है, बट यहाँ क्या लेंगे NO और वाटर को भी क्या कर देंगे छोड़ देंगे। तो ये छोटी सी बस टेक्निक है, इसको आप सीख लीजिए स्टूडेंट, कॉपर 0 है प्लस 2 है, दो इलेक्ट्रॉन का चेंज आ रहा है, यहाँ नाइट्रोजन प्लस 5 है, यहाँ नाइट्रोजन प्लस 2 है, कितने का डिफरेंस आ रहा है 3 इलेक्ट्रॉन का, तो बस करना क्या स्टूडेंट 3 से इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 कॉपर प्लस 2 NO3 नेगेटिव गेट्स कन्वर्ट इनटू, अब कॉपर 3 है तो यहां पे भी कर लीजिए और NO नाइट्रोजन 2 है यहां पे हमने नाइट्रोजन मेंशन कर दिया, अब देखें क्या बैलेंस नहीं है, कॉपर बैलेंस है, नाइट्रोजन बैलेंस है, ऑक्सीजन की बात करें 3 कितने हो गए 6 ऑक्सीजन है यहाँ पे और यहाँ हमारे पास 2 ही है तो कितने ही कमी है स्टूडेंट 4 की, तो 4 वाटर आपने क्या कर दिया ऐड कर दिया, हाइड्रोजन कितने हैं एच पॉजिटिव वहां पे 8 है यहाँ पे नहीं है, एच कौन से मीडियम में रिएक्शन हो रही है एसिडिक, तो हम यहाँ क्या कर देंगे 8 एच पॉजिटिव, तो ये आपकी रिएक्शन क्या होगी स्टूडेंट बैलेंस होगी। अब करना क्या है, बस जस्ट अब इस फॉर्म में आप इसको लिख दीजिए, तो क्या हो गया 3 कॉपर प्लस, अब NO3 है और यहाँ पे 8 एच पॉजिटिव है तो क्या कर देंगे 4 एच एन ओ सॉरी 8 एच एन ओ 3 गेट्स कन्वर्ट इन टू 3 कॉपर नाइट्रेट था CU कॉपर 2 पॉजिटिव था CO3 का ट्वाइस प्लस 2
NO प्लस 4H2O। अब बैलेंस करके देखते, अब नाइट्रोजन को देखते स्टूडेंट, यहाँ पे 6 और 2 8 और यहाँ पे भी नाइट्रोजन क्या है 8, कॉपर 3 कॉपर 3 और सब आप देखेंगे तो ऑटोमेटिकली रिएक्शन क्या बैलेंस। इसी तरह नेक्स्ट रिएक्शन बात करते हैं स्टूडेंट 10th नंबर पे जो हमारी है कि IO3 नेगेटिव। अब इसमें हम किसको लेंगे, मैंने आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझाया है कि केवल जिस पे ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हो रही है हम उन्हीं को केवल लेंगे। तो हमें पता IO3 नेगेटिव ये क्या है, बेसिक मीडियम के लिए इसका कोई रोल नहीं है, प्लस Cl2 गेट्स कन्वर्ट इनटू IO4 नेगेटिव और प्लस Cl नेगेटिव। और वाटर को नहीं लेंगे, वाटर ऑटोमेटिकली जब हम बैलेंस करेंगे आयनिक मेथड से या फिर ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से दोनों में क्या हो जाएगा अपने आप बैलेंस हो जाएगा। तो करते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे आयोडीन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे क्या आएगी प्लस 5 और यहाँ आयोडीन क्या है प्लस 7, तो कितने इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस पड़ रहा है, आप कहेंगे सर 2 इलेक्ट्रॉन का। यहाँ पे बात करें 0 ये -1, 1 के लिए 1 इलेक्ट्रॉन तो 2 के लिए 2 इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है ट्रांसफर हो रहा है। तो यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, इसलिए हमें मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है। तो IO3 नेगेटिव प्लस Cl2 गैस कन्वर्ट इनटू IO4 नेगेटिव प्लस Cl नेगेटिव, मगर यहाँ क्लोरीन कितने हैं 2, तो पहले एटम बैलेंस कर लेते हैं। फिर हम क्या करते हैं, हम बैलेंस करते हैं ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन यहाँ पे 3 है, यहाँ पे कितने 4 है, 1 की कमी है, तो यहाँ पे हम क्या ऐड कर देंगे वाटर। अब वाटर ऐड कर दिया हमने, अब क्या बैलेंस करना है हाइड्रोजन। जब हाइड्रोजन को बैलेंस करना होता है स्टूडेंट, तो मैंने बेसिक मीडियम में, क्योंकि हमें पता है यहाँ पे OH नेगेटिव दिया था यानी बेसिक मीडियम में है, तो बेसिक मीडियम में क्या करते हैं जिधर हाइड्रोजन कम है उधर हम उतने ही वाटर ऐड कर देते हैं। जैसे यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है 2, वहां पे 2 कम है तो 2 वाटर मोलिक्यूल ऐड कर दिए और उतने ही OH नेगेटिव अपोजिट डायरेक्शन में हम क्या कर देते हैं ऐड कर दिए। अब इसी को और आगे लिखना है तो क्या लिखूंगा IO3 नेगेटिव प्लस Cl2 प्लस 2OH नेगेटिव और ये वाटर किधर चला जाएगा उधर, तो क्या बच जाएगा वहां पे IO4 नेगेटिव प्लस 2Cl नेगेटिव प्लस H2O। दिस इज द कंप्लीट बैलेंस्ड रिएक्शन। तो आपने देखा जैसे OH को मैंने नहीं लिया था अपने आप आ गया, वाटर को नहीं लिया था वो भी आ गया। तो इस तरह बड़े आराम से कंपटीशन में रिएक्शंस को सिंपलीफाई करके बैलेंस करेंगे तो आप बड़ी जल्दी रिएक्शन को बैलेंस कर लेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को बैलेंसिंग इन 3 वीडियो के थ्रू अच्छी तरह समझ आ गई होगी। फिर भी अगर आपको किसी पर्टिकुलर रिएक्शन की बैलेंसिंग में दिक्कत आ रही है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, मैं उसको जरूर आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करूंगा। ज्यादा से ज्यादा इन वीडियो को अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करें और जो न्यू व्यूअर हैं उस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।